राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकूंगी, लेकिन उस दृश्य की कल्पना कभी की है कि राम और लक्ष्मण जब इसी राम के इन कंधों पर लक्ष्मण का शव लेकर मैं जाऊंगा और एक मां के नेत्र निहारते होंगे, अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही इन कंधों पर मैं अपने लक्ष्मण का शव लेकर जाऊंगा और वो मां अपने ही पुत्र को अपने नेत्रों के सामने इस संसार से जाते हुए देखेगी तो फट जाएगा उस मां का हृदय। हे नाथ, क्षमा कर दे मेरे लक्ष्मण को, अरे ये तो बालक है और बालकों से अपराध हो जाता है तो बड़ी क्षमा कर दे। भगवान भिखारी ये मांग रहा अपने भैया के प्राणों की भिक्षा। आप भगवान हैं और मैं भिखारी हूं, एक भिखारी अपने भाई के प्राणों की भीख मांगता है मेरे भगवान। भगवान भिखारी मां बदले में मेरा वध कर दो, कर लो उर के मन की। अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो आप मेरा वध कर दे, क्योंकि कौन ऐसा भागा भाई होगा बड़ा, कौन ऐसा अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में कोई, जिस बड़े भाई ने अपने नेत्रों के सामने ही अपने ही छोटे भाई की अर्थी को इन कंधों पर उठाया होगा। क्या दुख होता है एक भाई के बिछड़ जाने का, कौन ऐसा अभागा बड़ा भाई होगा इस संसार में कोई, जिस बड़े भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई की जलती हुई चिता देखी हो। कौन ऐसा भागा बड़ा भाई हो। क्या दुख होता है एक भाई के बिछड़ जाने का इस हृदय पर, क्या दुख होता है एक भाई के बिछड़ जाने का इस हृदय पर। उस दुख को वही जान सकता है जिस भाई ने अपना भाई इस जीवन में ही खोया है। हे नाथ, बड़े सौभाग्यशाली है वो लोग जिनको विधाता ने कोई भाई दिया है, लेकिन बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनको विधाता ने कोई भाई ही नहीं। एक सच्चा भाई हर संकट के समय में, संकट की परिस्थिति में भाई की रक्षा के लिए आगे खड़ा होता है, और सच्चे भाई वही है संसार में जो हर समय हर संकट की स्थिति में अपने भाई का साथ देते हैं। किंतु बड़े अभागे हैं वो लोग जो थोड़े धन और वैभव की प्राप्ति के लिए ही अपने ही भाई का वध कर दे, अपने ही भाई के शत्रु हो जाते हैं। हे नाथ, मेरी मैया ने चलते समय मेरे इन हाथों में
लक्ष्मण का हाथ दिया और ये कह दिया कि राम जिस तरह लिए जा रहे हो अपने बंधु लक्ष्मण को, वैसा मुझे लौटा दे। सुने एक मां की करुणा क्या होती है, जब बिछड़ता है उसके नेत्रों से एक पुत्र ओझल होता है, नेत्रों से उसका पुत्र, तो मां के मानो प्राण ही शरीर से निकलते हैं। कितना प्रेम करती है एक मां अपने पुत्र को, क्या कोई पैमाना बना सका, क्या कोई तौल सका उस ममता को जो एक मां अपने पुत्र पर लुटा देती है सारी ममता। मां की ममता ईश्वर का वरदान है, मां की ममता ईश्वर का वरदान है। सच पूछो तो मां इंसान नहीं भगवान है। मां के चरणों में सुख का हर रूप होता है क्योंकि उस मां में ही ईश्वर का हर स्वरूप। सुने भगवान मैया के द्वारा कहे गए अनमोल वचन। मैया ने चलते समय का हेरा वचन मम सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जा वैसा ही मुझे लौटा देना। यदि आप जग से पहले जाएगा, क्या मैं इतना भागा हूं कि मैं अपने नेत्रों के सामने ही अपने ही भैया लक्ष्मण का बहता हुआ रक्त देखूं। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, मेरे इन नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने जीवित रहते हुए ही अपने भाई को इस संसार से जाते हुए देखो। अगर वध करना है तो अगर एक भाई की रक्षा के लिए भाई का जीवन बलिदान हो जाए तो सौभाग्यशाली है वो भाई जो भाई अपनी रक्षा के लिए नहीं अपने भाई की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान करते। यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा, मुझसे पीछे जग से पहले जाएगा। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे सुकातुर अवध मेरी मैया
पूछेगी मेरा लखन कहा तो क्या कह करके समझाओ, क्या उत्तर दूंगा उस बात को जाकर कि मैं अपने लक्ष्मण की रक्षा ना कर सका। मां मेरा लक्ष्मण मेरे नेत्रों के सामने मुझसे प्राणों की भीख मांगता रहा, मेरी रक्षा करो भैया, मेरी रक्षा करो। और मैं अपने नेत्रों के सामने ही अपने लक्ष्मण को इस संसार से जाते हुए देखता। अगर वध करना है तो इस परस का प्रहार मुझ पर पहले कर दे भगवान। कट गई भुजा जब योद्धा की तो हाथ में रही कमान कहा, इस भाई का जीवन ये भाई है, भाई बिन जग में मान का, भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान का। दोनों को मारो यही नाथ, अर्थी सज अवध पठा सरयू की ठंडी लहरों में हमको मुनिनाथ बहा देना। रूवे यदि माता पिता धीरज दे उन्हें समझा देना, फिर रूप आराम की विनय यही तुम लौट महेंद्र चल जाना। सब कुछ मिल जाता है इस संसार में, धन मिल जाता है, राज मिल जाता है, वस्त्र मिल जाते हैं, आभूषण मिल जाते हैं, जब बिछड़ जाता है इस जीवन से एक भाई, बिलग हो जाता है जब इस जीवन से भाई एक बार, तो सब कुछ मिल जाता है बार बार, लेकिन मिले ना भाई इस जीवन में बारंबार। मिले जाते हैं इस जगत में सुतियर मित्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया मैया 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 ने चलते समय दिया लखन का, इसे छोड़ अब दीजिए और मुझे मारी ना, मेरा वध कर दे पर क्षमा करे मेरे लक्ष्मण को क्षमा क्षमा। कहे मुनि राम, राम तुम्हारी वाणी के द्वारा हृदय द्रवित हुआ, आज तुम रो रहे हो,
आज तुम नहीं रोए बल्कि तुमने तो पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परश के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा, तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो राम। धन्य है यह भ्रातृ प्रेम संसार के समस्त भाइयों में। यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे नेत्रों के द्वारा गिरे हुए न द्रव बिंदुओं से निर्मित सागर में यदि वर्तमान के भाई स्नान कर लें तो मुझे लगता है कि उन स्नान करने वाले भाइयों के हृदय में वैसा ही बंधुत्व प्रेम उत्पन्न हो जाएगा जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मत रो राम, मत रो राघो। हे राम जो यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे। अश्रु मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोकानल में तुम्हारे यह राम ही दह जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं। अतुलनीय अनुराग पावन यह आज तक देखा नहीं। राम यह करुण क्रंदन यह राम ना सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाएगा। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणा धार बहाते हो। अपने इन अश्रु बिंदुओं से यह वक्षस्थल पिघलाते हो। नीरज नैनों से राम, नीरज नैनों से राम अश्रु अब मत बरसाओ। तड़प रहे हैं प्राण हमारे हाँ और अधिक ना तड़पाओ। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र ले जाओ अपनी इस भैया को। जैसे लाए थे दे देना ले जाकर अपनी मैया को। ले जाओ राम ले जाओ ले जाओ। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला। बोलत बचन झरत जन फूला। अरे महाराज आपके स्वभाव में तो बहुत परिवर्तन हो गया। अभी कुछ समय पहले अंगारों की वर्षा होती थी आपके मुख से, अब ऐसा लग रहा जैसे फूल झड़ रहे हैं। कह रहे ले जाओ लक्ष्मण को, क्षमा कर दिया नहीं मारेंगे। क्षमा नहीं कर दिया, ईमानदारी यह है कि मारे नहीं पाए हो। प्रयास बहुत किया है मारने का, अभी तो फूल बरस रहे हैं, अभी कुछ देर में नीर भी बरसेगा। कहना है बाबा परिवर्तन हो गया है। अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी भरी, उठा ले बहुरंगों की फुलवारी। और चार फूल बाबा नितन वाले नागरे खिलते हैं बारी बारी। श्याम फूल है श्री राम भरत को ये हरा भरा। पहल
शत्रुघ्न की करना में ये गुलाब खुशबू मानो कड़कटीलों से आच्छादित खिलता है गुलाब तरुवर पर कभी भूल कर बाबा मत फंस जाना बतलाए देता हूं मुनिवर नहीं ये अरसा परसा सब रख जाएगा और भ्रमर चिपट तन जाएंगे रूप शनि कांटों में बाबा प्राण बहुत अकुलाएंगे फिर निश्चित होगा अंत एक दिन अवनीशे अत्याचारी का पर फूल फूल ना बंद न होगा इन वीरों की फुलवाड़ी का। अभी इसका भैया इसके प्राणों की भिक्षा मांग रहा था और अभी ये शिक्षा दे रहा है। इतना कृतघ्न है, कृतघ्ना नाम अग्रगण्य, इतने फूल बरसाऊंगा कि बीन नहीं पाओगे राजकुमार। बरसाओ ये फूल फबीले नीले पीले यह लाल गुलाबी होते हैं और गंध किन्हीं में होती है कुछ तो निरगंधी होते हैं इन फूलों में। ए लखनलाल इन फूलों में लखनलाल तुम बतला दो अपना परिचय और इस कुठार से कर लेंगे हम मधु पराग का भी निश्चय। ये फूल फूल करना खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का और ये फूल फूल ना अब बंधन होगा मत हो गया शिव भक्तों की फुलवारी का। अरे जो फूल आप हमें समझ रहे हैं हम वो फूल नहीं है, हमें साधारण पुष्प मत समझो, हम कैसे फूल हैं। हिल गया है, कहना है वो फूल नहीं है महाराज कंड। बहुत खिल रहे हो। वो फूल नहीं है महाराज जो कांट गिराए जाते हैं, वो फूल नहीं है महामुनि जो धूल मिलाए जाते हैं। ये फूल फूल करके स्वामी ये फूल फूल करके स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है। जैसे गुलाब का फूल जिसकी कटक कटीली डाली है फंस जाओगे जब कांटों में, कांटों भरे मार्ग में जब फंसोगे तो फिर रक्तपात हो जाएगा। छटपटाए चिल्लाए छठी का दूध याद आ जावेगा। फूल फूल कर रहे हो बाबा कौन फूल किस डाली का, पर फूल फूल ना बंद ना होगा इन वीरों की फुलवाड़ी का। ये अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी और ये चार फूल नितन वलनागरे खिलते हैं बारी बारी। इन चारों फूलों को तोड़वा कर, चारों फूलों को तोड़वा कर सठ झल्ली चार फरांगा क्रांते अवध में बेचने हेतु तब दशरथ को बुलवाऊंगा। ये फूल फूल करा खिलाड़ी फूल फूल करा खिलाड़ी ये कौन फूल किस डाली का और फूल फूल नाम बंधन होगा हम शिव भक्तों की फुलवारी का। अरे मारे काटे डाल दिए
बहुबाल के बृंद न सा करके लाज नाई लेक विप्रजो मारे अति तरसा करके पुष्प वाटिका में आकर के बाबा अरे अभी ना खिलने पाए थे कली रूप में ही मुनिवर जी तुमने फूल नशाए थे चंद क्रोध को शमन करने शपथ आप लीजिए स्वामी ओ है साक्षात ये लखनलाल अब समझ ले ओ अंतर्यामी फूल फूल कथा खिलाड़ी खिलाड़ी कौन फूल किस प्यारी का पर फूल फूल ना बंद न होगा बंद न होगा इन वीरों की फुलवारी का इनकी कोई फुलवारी नहीं जितना बोल रहे हैं सब झूठ तुम ही तो बहुत बड़े माली इसलिए झूठ बोल रहे हैं व्यास जी क्योंकि इनके पास एक ऐसा फूल है कि वो फूल जिसको मिल जाए फिर किसी फुलवारी की जरूरत नहीं है और ऐसा पुष्प है जिसका प्रत्येक अंग भी पुष्प है जिसके नेत्र भी पुष्प हैं जिसके हाथ भी पुष्प है जिसके चरण भी पुष्प हैं, जिसका मुख भी पुष्प है और वो कैसा पुष्प है तो आचार्य लिखते हैं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाधुनम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम ऐसा पुष्प है कि जिसका आसन भी पुष्प है इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम तो मम हृदय कंज हृदय भी कंज है मम हृदय कंज निवास करु कामाद खल दल गंजनम ऐसे पुष्प से मिलने का क्या उपक्रम होना चाहिए व्यास जी आप वो प्रस्तुत करें हे नाथ हे भगवान आप लक्ष्य का दर्शन करना चाहते कौन सा लक्ष्य है जिस हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ हे नाथ हे भगवान छुवत ही टूट पिनाक